रावण नेता चूक गया है, महिलाओं को नहीं कर सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा खुद केंद्र सरकार का था, अब उन्हीं के विधायक जो ऐसे मामलों में लिप्त आ रहे हैं जी, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ये इनका खोखला नारा है ये सामने दिख रहा है कि किस तरीके से अलग अलग जिन राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर मोदी और ये मोदी से बेटियां बचा रेप की घटनाएं घट रही है। मैडम ये कठुआ का मामला है, कम्युनल टर्न देने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत निंदनीय बात है। और ये बात आज यहाँ हद तक इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो सत्ताधारी है, लीडिंग पार्टी है, वो लगातार कम्युनल पॉलिटिक्स करती आ रही है हमारे मतलब के अंदर। और ये कम्युनल पॉलिटिक्स का नतीजा ये हो गया है कि आज इंसानियत नारा दे रहे तो बेटी का नाश करने का ही बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आज जो अनशन कर रहे हैं, इस देश की महिला के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार होती है इसके खिलाफ एक्चुअली उनको करना चाहिए, ये नहीं है तो कुछ और चीज़ होंगे करना चाहिए। तो जो जितना नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री भी जो नारा लगा रहे सारी नारा झूठी है, इस देश की जनता के लिए हित में नहीं है, खास कर महिला की। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है? वही देख रहे हैं हम, यही एक MLA जो इस देश की ऑपोजिशन पार्टी के सत्ता पिल्ला बता रहे हैं, बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह अपनी जो पार्टी का आरओबी MLA है उसके बारे में उसको क्या नाम से वो पुकारेगी, ये उनको पूछने का है, उनको देखना है अपनी पार्टी का कम से कम MLA और जो ऐसा पद में बैठने वाला ऐसा गुनाह मत करे। तो ये बीजेपी का ये बीजेपी महिला विरोधी ताकतें हैं, महिला विरोधी सोच रखने वाला ताकत है, मनुस्मृति में सोच रखने वाले ताकत है। यदि महिला निकल के आए तो उनके साथ यही होगा, ये सिखा रहे बीजेपी, ये लेसन दे रहे। लेकिन ये लोगों की सोच कहाँ तक कि 8 साल की बच्ची के साथ लोग रेप करते हैं और फोन करके किसी को बुलाते हैं कि अगर आपको रेप करना है तो आप आ जाओ। वही बात है ना, यही बात है। उधर भी देखो ना, जो चार्जशीट फाइल करने के लिए नहीं दे रहे, पूरी वकील लोग निकल कर आके उसको रोक रही है। तो हमारी देश का जो जुडिशरी है उनकी काला दिन है जो ऐसा हो रहे है। तो जुडिशरी के बारे में भी क्या बताऊँ, जुडिशरी भी महिला की जो हित के लिए नहीं है, उनकी न्याय के लिए उनकी अधिकार के लिए नहीं है, महिला विरोधी हो चुका है। नहीं तो हम मांग करते हैं वो सारी एडवोकेटों को जो लाइसेंस रद्द करना है, आगे कोई कोर्ट के अंदर उसको कदम रखने नहीं देना है। मैम पर ये कहा था कि आप किसी रेपिस्ट के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रहे हो और लोग राम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, मतलब किसी रेपिस्ट को बचाने के लिए लोग राम का नाम ले रहे हैं और भारत माता ये उनसे पूछिए ना, वो उनसे पूछिए क्या राम की नाम लेके आप रेप कर सकती है। तो आप यदि आप राम के नाम पुकारे और फिर रेप करे आप बच जाएगी, यही लेसन दे रहे बाकी एंटी वीमेन ताकतों को, यही दे रहे क्रिमिनल्स को, यही मैसेज बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे रही है, यही देख रहे हम पूरी देश के अंदर। एक तरफ राम का नारा दिया जाता है और दूसरी तरफ रेप किया जाता है और जहाँ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उनको रोका जाता है और इस तरीके के पूरे देश के अंदर भ्रमना मच रही है। आए दिन बीजेपी के लोग, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद आए दिन इस तरीके की घटना करते हैं कि लोगों को झकझोर दिया जाता है और लोग रोड पे आते हैं तो उन्हीं नेताओं के द्वारा या उन्हीं सांसदों के द्वारा, उन्हीं विधायकों के द्वारा उनको मारा जाता, पीटा जाता है। अभी देखा कि एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसका पिताजी और उसकी माँ जब रिपोर्ट दर्ज कराने गए उनको बंद कर लिया गया और वहाँ पुलिस कस्टडी में ही उनका मर्डर हो गया, उनको मार दिया गया। तुम्हारे लिए